ये चीज़ मतलब चांद पे चल के आ चुकी है, क्योंकि असली है, यहाँ सब कुछ असली रखा हुआ है, नकली कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं एक बार हाथ लगाऊँ। नमस्कार दोस्तों, अभी आ गए हम कलुगा शहर में, जो शहर फेमस है स्पेस के लिए, कॉस्मोस के लिए। जो सबसे पहले जिन्होंने कॉस्मोस या स्पेस के बारे में जाना था ना, रॉकेट साइंस जो थी, जिन्होंने पूरा एग्जैक्ट नॉलेज थी, जिनको जो फाउंडर थे, जिन्होंने बनाए थे ये सब, उनका शहर है। वो यहाँ पैदा हुए थे, यहीं उन्होंने सब डिस्कवरी की थी। तो नाम था उनका कंस्टेंटिन, क्या था, कंस्टेंटिन सिलोवस्के, कंस्टेंटिन सिलोवस्के। और ये जो शहर है ना, इसकी जो हिस्ट्री है 1341 ना, 1371 का शहर है, पुराना है बहुत, भूल जाता हूँ मैं, 1371 का शहर है, 650 साल पुराना। और जो मेन है ना, वो इसकी जो मेन शहर है वो यही है, इसी के ऊपर बेस है, कॉस्मोस के ऊपर, पूरे स्पेस के ऊपर। और 1812 में जो नेपोलियन था, नेपोलियन को अगर जानते होगे, जो फ्रांस का वो था, तानाशाह बोल सकते हैं, जो पूरा सबको ना, हिटलर टाइप जो था पहले, वो भी इस शहर में मतलब मॉस्को में जब कर रहा था ना हमला वगैरह, उसने जब रशिया को कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, तो मॉस्को से एक रोड निकलती थी डायरेक्ट कलुगा, वो उस रास्ते से भागा था, डॉक्टर था, तो मतलब जो भागा था उसको ही भगाया था रूसियों ने, मतलब वो भी नहीं जीता, पूरे दुनिया को जीतते आ रहा था, भगा दिया उसको भी यहाँ पे, और थोड़े टाइम बाद मर भी गया था वो। और वो भी मतलब इसी शहर से भागा था। और जब वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, बैटल ऑफ बारबाडोस जो हुई थी ना, उसमें कलुगा भी वो था, शामिल था, मतलब कलुगा में हमला भी हुआ था, जर्मन ने सबसे पहले कब्ज़ा इस पर किया था, मतलब काफ़ी शहरों में से एक शहर ये भी था जिस पर कब्ज़ा हुआ था। तो जो पूरा स्पेस है ना, जो जो इन्होंने यूज़ किया था ना सिस्टम स्पेस में जाने के लिए, रॉकेट वगैरह, और जो मार्स वगैरह पे जाने के लिए, मून वगैरह पे जाने के लिए, जो मशीनरी नहीं जाती मून पे, और जो कपड़े पहन के जाते हैं वहाँ से, पत्थर पुत्थर लेके आए थे, जो मशीन वहाँ से लेके आई थी, वो सब जो है इस म्यूज़ियम में है। तो हम चलते हैं इस म्यूज़ियम में, पता तो नहीं अभी अंदर क्या मिलेगा, पर करते हैं एक्सप्लोर, आपको भी दिखाते हैं। हमने टिकट ले लिया म्यूजियम की, 300 रुपये की एक टिकट है, मतलब तकरीबन 300 रुपये हो गए। चालू है फिर सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे जो भी है ना, जो भी हमको भी देखने को मिलेगा, वो सब है जो यूज़ किया हुआ है, मतलब समझ रहे हो, जो कॉस्मोस में गया है सब, मतलब जो भी इनकी मशीनरी है, रॉकेट्स हैं, जो भी है वो कॉस्मोस में जा चुके हैं पूरे, तो सब कुछ असली होगा। पहला कुत्ता गया था ना, क्योंकि ये जानवर अगर होगा भी हमेशा ले जाते रहते हैं ऊपर, ना सभी और ये भी, तो ये पहला कुत्ता जो गया था, ये वो बनाया हुआ है नकली, खैर ये तो ऐसे बंद हो के गया था। तो इन सब पे ना ऊपर जाके रिसर्च होती है कि कुत्ता वहाँ रह सकता है, नहीं रह सकता है, उसकी दिल की धड़कन कितनी ऊपर नीचे होती है, क्या हिसाब है उसका, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन मिलती होगी, मतलब पूरी इसकी जगह है। छोटी सी सीट है, किसकी होगी, एप्स, हाँ, बंदर, बंदर, इसमें बंदर गया था, वहाँ पर जाके रिसर्च करते थे उनके ऊपर, हाँ, फिर बंदर के ऊपर बॉडी की रिसर्च करते कि उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, जी सकता है उस एनवायरनमेंट में, नहीं जी सकता। और यहाँ पे चिड़िया है, देखो चिड़िया गई थी इसमें, इसमें चिड़िया गई थी, और ये असली की फ़ोटो है उस टाइम, चिड़िया ने ऊपर अंडा भी दिया था। ये है हमारा स्पेस सेंटर असली का, जिसको शायद कैप्सूल बोलते हैं, जो यहाँ से उड़ता है अपने इंजन के साथ, जो इसको वो देते हैं ना तेल वेल ऊपर खींचता है, वो हट जाते हैं, फिर समुद्र में गिर जाते हैं, कैप्सूल अकेला जाता है, तो ये वो कैप्सूल है एटमॉस्फेयर के। वैसे दिखने में कितना छोटा लगता है, और ये देखो मेरे हाथ के हिसाब से, वो तो ये ना ऊपर स्पेस सेंटर जो घूम रहा है ना इंटरनेशनल, ये उसके साथ अटैच हो जाता है। ओहो, वो अंदर जा भी सकते हैं, अंदर अभी लोग हैं, थोड़े खाली हो जाए जाते हैं फिर। देख रहे हो यहाँ, ये जो है ना, ये एग्जैक्ट चीज़, ये ऊपर ना स्पेस सेंटर से ऐसे अटैच हो जाती है,
और इसमें से फिर जो अंदर लोग बैठ के गए होते हैं ना, वो निकल के फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं वहाँ स्पेस स्टेशन में। वाव, हिस्ट्री, कितनी बढ़िया हिस्ट्री मिली है, नॉलेज। अपनी आँखों से ये सब देखना ना, इसको छूना, समझ रहे हो, वो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो है सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे ये काम करता होगा। ये देख रहे हो, इसमें जब वो जाते थे ना ऊपर, अंदर जो काम करते होंगे ना, क्योंकि अटैच हो जाता है उसके साथ स्पेस सेंटर के साथ, तो ऐसा था असली का। ओए होए होए, स्पेस सेंटर में खड़ा हूँ मैं, खुद को विश्वास नहीं हो रहा। और ये ना मेरी एक वो है, मतलब अच्छी लगती मेरे को सब चीज़ें, तो मेरे को खुद बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये क्या है, क्योंकि इतनी नॉलेज तो नहीं हो सकती, पर वो देखो सामने ऐसे धरती दिखती होगी, जो ऐसे झांकते होंगे ना धरती, ऐसे दिखती होगी। वो टॉयलेट है वहाँ पे छोटा सा। तो ऐसे बैठते थे और अपने जो रिसर्च वगैरह करते होंगे ना। नाइस, इतना अच्छा यार इसको से, मतलब अच्छा। और एक चीज़ है, आज भी मतलब 2020 में भी, अभी तो देख रहे हो यार, हमारा इंडिया का भी है, इसरो है, इनका अपना है स्पेस वो जो काम होता है, और वो अमेरिका का नासा है, यूरोपियन यूनियन का अपना है, मतलब सबके हैं। लेकिन आज भी अगर किसी को ऊपर जाना है, मतलब स्पेस सेंटर में अगर किसी बंदे को जाना है, तो आज भी वो रशिया ही लेके जाता है। स्पूतनिक नाम का इनका एक वो है रॉकेट, जो लेके जाता है, और कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका को भी जाना है नासा को, तो रशिया से कॉन्टैक्ट करता है, अपने बंदे यहाँ भेजता है रशिया में, कजाकिस्तान में, और वहाँ से फिर उड़ता है रॉकेट और उनको लेके जाता है। अभी 2020 में ही जो है स्पेस एक्स नाम की जो एक स्पेस कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी जो टेस्ला वाले की है, वो अभी लेटेस्ट में अपने दो बंदे लेके गया, ठीक, और वो उसमें कामयाब हो गया। तो वो पहला कोई था जो दूसरा देश, दूसरा कोई कंपनी जो ये कर पाई। इसलिए अमेरिका में अभी कितना वो रखा था इस बात को ना, मतलब कितना बड़ा मान रहे थे, वो यही वजह थी, क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं था। और जो रशिया है, जैसे लेके जाता है रशिया किसी को भी लेके जाता है, तो $90 मिलियन लेता है वो। मेरे को ये नहीं पता कि एक बंदे के लेता है या एक ट्रिप के लेता है, मतलब $90 मिलियन लेता है वो किसी को भी ऊपर ले जाने के। और जो अभी वो लेके गया ना स्पेस एक्स, उन्होंने कम रेट रखा है, देख रहे हो इसमें भी काम चल रहा है। उन्होंने $70 मिलियन का ऑफ़र किया है नासा को, कि हम तेरे को $70 मिलियन में लेके जाएंगे। तो अभी बात चल रही है, शायद रशिया अपना रेट गिरा दे, या फिर वो स्पेस एक्स वाले किस पास जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से वो उसी के पास जाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, टेस्ला वाले की अमेरिका का है, नासा भी अमेरिका का है, तो क्यों चाहेगा कि वो जो भी पैसे हैं, चाहे थोड़े हैं चाहे कम हैं, वो रशिया को दे। बाकी आगे इनके क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देखते हैं। मतलब देख रहे हो, 2020 तक भी सिर्फ रशिया के पास ही सीक्रेट्स थे, इन्हीं की ही उसमें हो जाता था, मतलब कुछ भी ऊपर किसी को जाना है। तभी अगर आप किसी मूवी में देखते हो, ग्रेविटी नाम की मूवी भी है, उसमें जो भी एस्ट्रोनॉइट्स वगैरह ऊपर जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मैं मूवी देख रहा था, उसमें अंदर सब रशियन लिखी थी, तो मेरे को लगा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाद में जब पता चला कि भाई इसलिए लिखी थी क्योंकि वो है ही रशिया का, कोई और जाता ही नहीं है वहाँ पर, जा ही नहीं सकता, सीक्रेट वगैरह सब रशिया के पास थे। तो अभी सब रिवील हुआ होगा जो भी है स्पेस एक्स वाले ने किया है। तो वाह, रशिया मतलब देख रहे हो क्या, कितनी आगे है यार। और ये जो ये हैं कंस्टेंटिन जी, ये 16 साल की उम्र में ही जो है रॉकेट साइंस में घुस गए थे, मतलब तब से ही ये इनको एक शौक़ था। इनकी 10 साल की उम्र में कुछ आवाज़ कान सुनना कम हो गया था, तो ये स्कूल जाना इनका बंद हो गया था, तो उन्होंने घर पे बैठे बैठे ही पढ़ाई चालू करी इस टाइप में, और बताओ रॉकेट साइंस बना दिए, जो आज भी सबसे मुश्किल काम माना जाता है रॉकेट साइंस। वाह, तो मतलब फाउंडर, रशिया फाउंडर था इसका। नाइस, बैठे हैं भाई सब हमारे, हाउ आर यू, गुड गुड, चल आगे चलते हैं। और अब आया है असली कुछ देखने वाला, ये सब चीज़ें जो यूज़ की हुई हैं, जो मतलब देख रहे हो क्या है मशीनरी। सुना था मैंने एक मशीन है जो चलती है चांद पे जाके, ये रही है खड़ी,
ये वाली है गोल गोल गोल, ये चांद पे जाके गई है और ये पत्थर लेके आई थी चांद से। ओह उसको अभी हम छुएंगे अपने हाथ से जो चांद पे गई है, पत्थर लेके आई है पहली बार, जो पहले पत्थर लेके आई थी। और देख रहे हो हर एक चीज़ पे लिखा है SSSR, SSSP मतलब इसका USSR। वाओ हाथ नहीं लगा सकते इसको, नीचे से लगा सकते थे ना, जाएंगे अभी। क्या है इतना सब कुछ तो समझ ही नहीं है, पता है मतलब ये तो इन्होंने बनाया, हमें पता ही नहीं है कि है क्या, मतलब है ना सोच का फ़र्क। देख रहे हो एक आदमी ने एक चीज़ बनाई और आप बता ही नहीं सकते कि क्या है। अभी जाते हैं पढ़ते हैं नीचे इसके बारे में। कितने आगे आ रहे देश, कब से 100-100 साल से लगे हुए हैं, आज नहीं 100 साल। ग्लोब है ये नहीं, ग्लोब कहाँ का है, चांद है मार्स है। अभियान कहाँ से आ गया चांद पे, वो नाम दिए हुए हैं। अच्छा तो ये उन्होंने चांद ही लग रहा है, लूना लूना लिखा था। हाँ चांद है। अच्छा तो ये है हमारा चांद, और चांद पे देख रहे हो इन्होंने अपने नाम ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं, अगर फ्यूचर में कोई जाता है तो शहर शूर जो है ऑलरेडी फिक्स है। ओशन का नाम ओशन में, ओशन ये लिखा है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पहले ओशन हो, नहीं यहाँ पे खाली खाली है, यहाँ पे वो है ना प्लेन है, या तो पानी निकल गया, पहले पानी कभी हो सकता है ऐसा हो। और ये जगह है जहाँ जो जो गया है, देख रहे हो यहाँ पे इतने 65 को रशिया गया था SSSR, 65 अमेरिका गया, ये नीला वाला अमेरिका है, नीले वाले सारे अमेरिका हैं, ये वाले ये हैं, और ये है किताय चाइना, चाइना गया था, इंडिया है क्या मार्स पे, इंडिया गया गया था। अच्छा और इसकी एक खासियत है इसमें आपकी दूसरी साइड देख रहे कोई भी नहीं गया, ये मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था, क्योंकि एक ही साइड गए हैं वो, नॉर्थ है साउथ है नहीं पता, लेकिन एक ही साइड गए हैं क्रेटर्स क्या बोलते हैं खड्डे खड्डे, और इस साइड कोई भी नहीं गया, सिर्फ नाम दिए हुए हैं करेलियो, करेलियो मतलब किंग, मॉस्को सी के नाम से नाम दे रखा है, मॉस्को सी किंग, छोटे छोटे नाम दिए हुए हैं अपने अपने, मतलब इन्होंने जगह जो है पहले से कब्जा किया हुआ है वहाँ पर, मैं जाऊँगा तो ये मेरी है। अच्छा इंडिया नहीं गया मतलब, सिर्फ तीन गए हैं। हाँ घुमा भी सकते हैं, घुमा लौंडे घुमा हमारे लिए घुमा, देख रहे हो इस साइड कोई भी नहीं गया, सिर्फ एक ही साइड गए हैं, है नहीं बस, मतलब सिर्फ तीन देश गए हैं चांद पे, ये क्या अपने मशीनें भेजी होंगी, जो इंसान गए वो शायद तीन गए हैं। और ये है कैमरा जो चांद की फ़ोटो खींच के आया है, लिखा है इस पर। और ये रही असली फ़ोटो, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपनी जिंदा आँखों से, फर्स्ट एवर मैन मेड मून सैटेलाइट रेप्लिका। मून पे भी सैटेलाइट है मतलब, मतलब ये सैटेलाइट मून के आसपास घूम के आ चुकी है। इसको मैं हाथ लगा लूँ, ये सैटेलाइट मून पे गई थी, मून के, धरती के तो घूमती है कोई बात नहीं है, मून पे गई थी, घूम के आई है। क्या हमारी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। देखो ये लिखे सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, तो ये व्हीकल जो है ये चांद पे खुद चल के आई है, और इसके यहाँ ये जो है ये कैच करता होगा शायद कैमरा होगा या जो भी लेंस वगैरह कुछ होते होंगे ना, लेज़र वगैरह या कुछ भी, जिससे पता करते होंगे कि धरती पे पानी है नहीं है। इसके टायर कैसे हैं देखो, तो ये चीज़ मतलब चांद पे चल के आ चुकी है, क्योंकि असली है, यहाँ सब कुछ असली रखा हुआ है, नकली कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं एक बार हाथ लगाऊँ, ये चांद पे चल के आई है जो पत्थर लेके आई थी पहली बार चांद से। मैं भी हाथ लगा ले, तू भी हाथ लगा ले, ये वही होगा रडार वगैरह। मैं तो थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो गया, मतलब कहाँ देखने को मिल सकते हैं यार ये सब, कहाँ कब, मतलब 100 साल बाद भी शायद ना मिले। ये है एक स्टेशन जो फ्रांस और सोवियत ने मिल के जो है भेजा था, कहाँ पे, मार्स पे, वो मून नेक्स्ट मार्स। तो ये पूरा इसका वो है सोलर सिस्टम जिससे चलता होगा, तो ये चीज़ मार्स में होके आ चुकी है, मार्स के उतरी है या उसके ऑर्बिट पे घूम के आई है वो एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन ये है कि मार्स पे जाके आ चुकी है ये।
मेरे हिसाब से उतरी होगी, क्योंकि सेटेलाइट तो छोटी छोटी होती है, इतनी बड़ी सेटेलाइट नहीं हो सकती, तो ये शायद उतरी होगी वहाँ पे। ये देख रहे हो जैसे इंसान होता है ना, इंसान उसके अंदर क्या क्या हड्डियाँ नसें ये वो, देखो वही सेम नहीं लग रहा तो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। मैं बोल तो रहा हूँ ये चीज़ बनाते हैं सब चीज़ें, और हम समझ ही नहीं पाते कि है क्या। तो ये है इनका स्पेस सूट जो पहले बांध के जाया करते थे, आजकल तो शायद कुछ चेंज हो गया होगा और ज़्यादा एडवांस्ड हो गया होगा, तो पहले ये एग्जैक्ट ये पहन के गए थे, कभी यूज़ किया हुआ है ये। और ये ऐसे इसमें लेटे होते थे जब इनका रॉकेट उड़ता था ना नीचे से, तो ऐसे लेटे थे। अभी भी रशिया ही लेके जाता है इन सबको, अमेरिका हो चाहे जर्मन हो चाहे मतलब यूरोपियन यूनियन हो चाहे जापान हो चाइना हो, जिसको भी स्पेस स्टेशन पर जाना है ऐसे ही जाएगा वो, रशिया लेके जाएगा उन्हें। जब इनका काम हो जाता था ना, उतर के आते थे ये नीचे, वो कैसे उतरते हैं, हमेशा पानी में उतरते हैं ज़मीन पे, तो पैराशूट वगैरह होता है ऊपर से जिसमें भी आते हैं ये, तो जब नीचे आ रही होते हैं ना वो, फिर बिल्कुल नीचे आते आते पैराशूट वगैरह खुल जाते हैं और एक चीज़ सिर्फ नीचे गिरती है, तो वो है ये। इसमें बंदे बैठे होते हैं एक दो जितने भी, ठीक है, और वो ये गिरती है, और इसमें कुछ ऐसा होता है जो बाउंस होती है पूरी ना, सही से बाउंस, मतलब गिरेगी फिर पता नहीं कितने मीटर ऊपर चली जाएगी, और ऊपर इसके पैराशूट लगे होते हैं जिससे स्पीड इसकी कम हो जाती है गिरते टाइम। तो इसमें बंदे जो है वापस लैंड करते हैं, ये लिखे देख रहे हो स्पेस शिप लैंडिंग मॉड्यूल। अच्छा, और इधर देख रहे हो ये जो है स्पेस शटल है, लेकिन बुरान नाम की, और मेरे हिसाब से नकली हुई क्योंकि इतनी छोटी नहीं होती, ये नकली बनाई हुई है सिर्फ हमको दिखाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट में जो है स्पेस शटल बहुत बड़ी होती है। ये उड़ के जाता है और ये साइड में इसके रॉकेट होते हैं, और ये जो लंबा देख रहे हो लंबा, उसके अंदर तेल होता है, वो बस इसको ऊपर लेके जाता है और छोड़ देता है, फिर ये खुद काम करती है, और ऊपर जाके खुल के ना ये स्पेस स्टेशन के साथ अटैच हो जाती है। तो उतनी बड़ी तो यहाँ लगा नहीं सकते, तो इन्होंने समझाने के लिए इसे नकली लगाई है। तो देख रहे हो ये जो है ऑर्बिट बेस सूट है, ऑर्बिट बेस सूट मतलब जब ये स्पेस सेंटर में होते हैं ऊपर, और ऊपर अंदर जो भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इनका ऐसा होता है कि बाहर आके भी रिसर्च करनी होती है, मतलब स्पेस सेंटर से बाहर निकल के जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, और बहुत स्पीड में इनका स्पेस सेंटर चल रहा होता है, पता नहीं कितने हज़ारों की स्पीड में, मतलब हज़ारों की, 15,000-20,000 की स्पीड से जो है ना इनका स्पेस स्टेशन ऊपर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो ये पहन के बाहर आते हैं जिसमें इनको ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ देख रहे हो लगा हुआ है, और जो भी अपनी रिसर्च वगैरह जो करते हैं, मतलब कितना देख रहे हो ये अच्छा, इसे लग रहा है कि असली की चीज़ें जो यूज़ हो रखी है ना, वो अपनी आँखों से देखने को मिल रही है। पिक्चर में देखने को भी हम तरसते हैं कि कोई मूवी में दिखा दे ऐसा कुछ, असलियत में जो यूज़ किया हुआ है। ऊपर छोटी छोटी वो हैं सैटेलाइट्स वगैरह जो शायद यहीं धरती की ऑर्बिट की हों, और कई हो सकती हैं जो चांद की ऑर्बिट की भी हों, मार्स की ऑर्बिट का नहीं पता वहाँ गए या नहीं गए। अच्छा लगा काफ़ी, इंटरेस्ट हो तो इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है।